दुनिया में ऐसा कोई फैशन वाला आदमी पैदा ही नहीं होगा, एक एक दिन में चार चार बार कपड़े बदलना। दोबारा मैंने इनको सख्ती से दबाया जाए, बंगाल के गवर्नर को पत्र लिखा। अब न्यू इंडिया का धृतराष्ट्र उनको कहा जा सकता है, मोदी जी को। रंग नहीं बटे हैं, मुस्लिम हैं। देखिए, जिस तरह से चीन से खबरें आ रही हैं कोविड फैलने का, उसका जो जीनम सिक्वेंसी की जाए कि वही वेरिएंट है कि नहीं है, वरना जो अब तक का वेरिएंट था उसके ऊपर तो काबू पा चुका गया है, सब वैक्सीनेट हो चुके हैं। अगर ये वेरिएंट आया है तो प्रिकॉशन लेना चाहिए। अब इंडियन मासेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट किस पड़ता है यह भी देखना पड़ेगा। वही कोविड डिफरेंट जगहों पर उसका इंटेंसिटी, उसका असर अलग अलग पड़ता है। जैसे मैंने खुद दिल्ली में देखा कि जो क्लस्टर थे, झुग्गी झोपड़ियाँ थे, कोविड में वहाँ पर बहुत कम मौत हुई। जो बड़े बड़े मकान थे गांव में, एक मुंडका है जहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि करीब मुंडका गांव है दिल्ली में, करीब 100 लोग मरे थे उसमें। लेकिन जहाँ लाखों की झुग्गी झोपड़ियाँ थी, स्लम थे, वहाँ कैजुअलिटी कम हुई। तो यह भी देखना पड़ेगा कि ये वेरिएंट कितना ज़्यादा इंडियन मासेस के ऊपर इफेक्टिव हो रहा है, कितना खतरनाक हो रहा है। इसके अलावा जो भी एडवाइजरी जारी करी जा रही है उसको फॉलो करना चाहिए। किसान आंदोलन अपने उफान पर शुरुआत भी हुई, अपने उफान पर कोविड के दौर में ही था, लेकिन किसानों का एक दो को छोड़ करके बाकी कोविड से मौत की खबरें नहीं आई। और ये चीज देखी नहीं गई, ये चीज स्टडी नहीं किया गया। लोगों की मौत हुई बीमारी से, हार्ट अटैक से, जो भी कुछ हुआ, लेकिन कोविड के इंसिडेंसेस कम थे। मैं खुद कोविड के समय में जाता था और कोई मास्क का पालन नहीं करते थे, लाखों लाख लोग होते थे। लेकिन जिस तरह से केंद्र सरकार पूरे देश के अंदर कोई ऐसा एडवाइजरी जारी न करके, या कोई ऐसा भी प्रिस्क्रिप्शन मैंडेटरी नहीं आया हुआ है कि कोविड मास्क लगाया जाए, तो भारत जोड़ो यात्रा को खंडित करने या रोकने का षड्यंत्र इसमें लग रहा है। मोदी जी बंगाल में जब चुनाव था तो कोविड के दौर में लाखों की रैलियां किया था, हजारों की रैलियां किया था, पूरा देश देख रहा था। हालांकि मीडिया यहाँ की चुप रहती है, तो लेकिन जो भी एडवाइजरी होगी, जो सलाह दिया जाएगा, भारत जोड़ो यात्री उसका पर पालन करेंगे। लेकिन सर, राजस्थान में जन आक्रोश यात्रा बीजेपी ने अपनी रद्द कर दी है, और जो राहुल जी की यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा, वो लगातार चलती जा रही है। वो तो एक तरीका है, क्योंकि उनके जन आक्रोश में कोई दम नहीं है। शुरू में हल्के हमें लिया गया, अब लाखों लोग चल रहे हैं, तो कोई ना कोई कारण पैदा करेंगे, देखिए हमने कर दिया, ये भी कर दे। उनके जन आक्रोश का कोई इम्पैक्ट तो है नहीं, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा का भयंकर इम्पैक्ट है। तो इसलिए ये उन्होंने जानबूझ के किया होगा। सर, चाइना से जो फ्लाइट आ रही है वो तो नहीं रोकी है, वो भारत यात्रा को लेकर इस तरह की जो है सवाल जवाब करने लगे हैं। आपके सवाल में भी जवाब है कि या तो उनको रोकते और प्रोटोकॉल प्रेस्क्राइब करते, फ्लाइट यूरोप से भी आ रही जा रही, कोई बात नहीं। लेकिन उनका निशाना भारत जोड़ो यात्रा के ऊपर है, यही उनको लिए चुनौती है
और यह चुनौती वो सोच नहीं पा रहे थे। तो राहुल जी जिस तरह से आरएसएस का नफरत फैलाने का जो पूरा जाल बना दिया है, या तो उनका काम ही यही है, और सरकारी संस्थाओं का जिस तरह से सत्यानाश हो रहा, महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी, उन सवालों को जो उठा रहे हैं, इस भारत जोड़ो यात्रा के द्वारा बहुत प्रभावशाली से उठ रही है, उसको दबाना चाहते हैं। लेकिन जो मोदी सरकार है वो मीटिंग भी कर रही है हाई पावर कमेटी की, करें हम तो कोई बात नहीं, करें और जो नियम वो बनाएंगे हम फॉलो करेंगे। यात्रा पे कुछ असर पड़ेगा सर, जो कोई कानून लेकर के आती है या कोई नए दिशा निर्देश लेकर के आती है मोदी सरकार, तो देखेंगे हम उसको, जो नियम बनाएंगे पालन करेंगे, वो तो तब की बात है। लगता है रुक जाएगी यात्रा राहुल जी की? मैं हम रुकेंगे नहीं, हम पालन जरूर करेंगे कोविड का जो प्रोटोकॉल है। 24 तारीख को सर दिल्ली पहुंचे राजघाट पे, वहां पे जनसंघ बहुत भीड़ हो जाएगी सर, उसको लेके कुछ है क्या सर? बहुत सारी चीजें हैं, तो बहुत पहले से रोकना चाहते थे, वो भी एक है सर। अमेरिकन डॉक्टर रवि गौड़से हैं सर, वो लगातार कोविड के बारे में बताते रहे, तो अभी वो ये कह रहे हैं कि ये जो अभी नया वेरिएंट है इससे लहर नहीं आने वाली है इंडिया में, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी लगातार लेटर लिख रही है राहुल गांधी को। वो तो रोकना चाहते ही हैं, तो डॉक्टर रवि गौड़से रवि गौड़से की बात को भी ध्यान दिया जाना चाहिए। राहुल गांधी जी एक हमेशा टी शर्ट में नजर आते हैं, जबकि मोदी जी जल्दी जल्दी अपना मोदी जी सुपर फैशन, दुनिया में ऐसा कोई फैशन वाला आदमी पैदा ही नहीं होगा, एक एक दिन में चार चार बार कपड़े बदलना दोबारा, मैंने परेशान है मोदी जी परेशान। उनकी यहाँ जो ब्रांड थी, जो राहुल जी को पप्पू बनाया था संसद में, उन्हीं को मोदी जी को पप्पू बना दिया गया, तो अब पप्पू परेशान, असली पप्पू, पहले जो एक पढ़े लिखे शिक्षित समझदार दर्दमंद को पप्पू बनाया गया था, अब असली पप्पू पर पहुंच गए, जिसकी डिग्री झूठी, जिसका जन्मदिन झूठा, जिसका हर चीज झूठा, और माँ का गहना की चोरी किया था तो FIR दर्ज किया गया था, घर से भागने वाला जो चाय न बेचा हो, जिसका सबसे झूठा वही असली पप्पू। सर संसद में चर्चा होने लगी है कि जो बीजेपी है उनका एक कुत्ता भी नहीं मरा है, वो खुद को देशभक्त बताते हैं, और जो कांग्रेस है, खड़गे साहब ने बड़ा बयान दिया है इस पे, काफी उसकी चर्चा हो रही है, कांग्रेस ने काफी मतलब जीवन में कई लोग अपने कर दिए हैं नौछावर देश के लिए। देखिए सूर्य नारायण शर्मा जो एडवोकेट थे आरएसएस के थे, जो भगत सिंह के खिलाफ एडवोकेट थे, और दूसरी बात है 1942-43 में सावरकर गोलवरकर ने आवाहन करके ब्रिटिश सेना में इन्होंने भर्ती कराया था। तीसरी बात है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो इनके आदर्श हैं, उन्होंने कहा था कि जो क्विट इंडिया वाले मूवमेंट को, इनको सख्ती से दबाया जाए, बंगाल के गवर्नर को पत्र लिखा था। तो ये तो अंग्रेजों के साथ थे, इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात गोलवरकर ने कहा था कि आज़ाद भारत के बाद दलितों पिछड़ों मुसलमानों महिलाओं को ये अधिकार मिलता है, इससे अच्छा कि हम पूरे जीवन अंग्रेजों की गुलामी करें। तो बात तो सच है कि इन्होंने कोई खोया तो है, आज़ादी की लड़ाई तो लड़ी नहीं है इन्होंने। सर आपने मुहिम छेड़ी थी कि नई संसद जो बन रही है उसका नाम बाबा साहब के नाम पर रखा जाए, संसद में भी इस पर चर्चा होने लगी है अब, और जंतर मंतर पर लोग आंदोलन भी कर रहे हैं कि नई संसद का नाम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के नाम पर रखा जाए, कितनी सफलता मिलेगी आपकी इस मुहिम में? देखिए शुरुआत हमने की है 10 दिसंबर 2020 को, कोविड जब अपनी पूरी रवानी पर था, चरम पर था, तब जाकर के हमने डिमॉन्स्ट्रेशन किया था रिस्क लेते हुए। तो उसका असर यह पड़ा कि तेलंगाना की विधानसभा ने विशेष सत्र बुलाया, और सत्र बुला करके
उन्होंने पास किया प्रस्ताव मोदी सरकार को भेजा कि नई संसद का नाम डॉक्टर अंबेडकर के नाम से नामकरण हो। हमने रैली किया था अभी 28 नवंबर को इसी के मामले में, और उसका परिणाम एक और हुआ कि नागेश्वर राव जो एमपी हैं उन्होंने भी संसद में बोला है, टीआरएस के एमपी हैं, कि क्यों न जो नई संसद है इसका नाम डॉक्टर अंबेडकर पार्लियामेंट हाउस हो। तो ये मांग हमने ही उठाई है, हम लड़ रहे हैं लगातार, हमें समर्थन मिल रहा, टीआरएस ने हमें समर्थन दिया, एमपी ने भी हमें समर्थन दिया। सर परिसंघ एक गोद में सम्मेलन करने जा रही है अगले दिनों में, उसका क्या है पूरा एजेंडा? इसका पूरा खुलासा तो ओम सुधा जी करेंगे, इसकी रचना वही कर रहे हैं, मुझे मेरी उनसे बात करनी है, हमारे और नेता उनसे बात करेंगे क्या स्वरूप हो सकता है। सर एक आखिरी सवाल कि अमृता फडणवीस ने अभी बयान दिया है कि नरेंद्र मोदी को न्यू इंडिया का राष्ट्रपिता बता रही है और गांधी जी को राष्ट्रपिता पहले का राष्ट्रपिता बता रही है। अब न्यू इंडिया का धृतराष्ट्र उनको कहा जा सकता है मोदी जी को, कहां गांधी जी कहां है, तो नए भारत का धृतराष्ट्र ही संज्ञा उनको शोभा देती है मोदी जी को। सर एक लंबाई पठान, उसमें रंग को लेकर विवाद फैल गया है, क्या रंग भी बट गए हैं हमारे देश में? रंग नहीं बटे हैं, मुस्लिम हैं, सीधा नहीं कह पाते हैं। अब ये ऐसा रंग है सैफ्रन की हर फिल्म में इस्तेमाल हो रही है, और फिर दूसरों का नहीं, और भी एक्टर एक्ट्रेसेस ने किया है।